बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सो टुडे वी लर्न अबाउट सोर्सेज ऑफ लिपिड्स एंड टाइप्स ऑफ लिपिड्स। सो लेट्स कंटिन्यू। सोर्सेज ऑफ लिपिड्स, तो डाइट में फैट्स एंड ऑयल्स हमारे दो टाइप्स के होते हैं, प्लांट और एनिमल। प्लांट से हमें ज़्यादातर ऑयल्स मिलते हैं और वो होते हैं मिलते हैं हमें सीड्स वगैरह में से, जैसे कनोला, कॉटन सीड, पाम, पीनट। और एनिमल में से हमें बटर, घी, क्रीम, टैलो वगैरह मिलते हैं। इनको ज़रा थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। प्लांट सोर्सेज, सीड्स ऑफ सम प्लांट्स आर गुड सोर्सेज ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स दैट आर ऑब्टेन्ड बाय एक्सट्रैक्शन और एक्सप्रेशन फ्रॉम द ऑयल सीड सोर्स। तो नॉर्मली क्या होता है कि एक प्रेस होती है बाज़ार में, आपका जो ऑयल निकलता है वो इसी तरीके से निकलता है कि सीड्स को जैसे दौरी होती है ना, और उसमें आप फुल फोर्स से डंडा चलाते हैं तो कोई भी आपकी जो भी चीज़ आप कोई भी फूड आइटम दौरी में डालते हैं ना, वो क्रश हो जाता है। तो इसी तरीके से एक प्रेस होती है आपकी, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे आपकी सीड्स होते हैं, ठीक है। तो ये प्रेस बहुत ज़ोर से प्रेस किया जाता है और नीचे आपके कुछ सुराख होते हैं, वहाँ से आपका ऑयल, उन सीड्स में से ऑयल निकलता है, ठीक है। तो ये आपकी एक्सहेल ऑयल के सीड्स निकल सॉरी सीड्स के ऑयल निकलता है एक्सट्रैक्शन या एक्सप्रेशन से। अच्छा, होता क्या है कि ऑयल एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है, जब हम सीड्स के अंदर सॉल्वेंट डालते हैं। सॉल्वेंट कोई भी हो सकता है, जैसे कोई भी लाइट पेट्रोलियम फ्रैक्शन, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, फैट्स ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होती हैं, तो हम कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एक्चुअली डाल रहे होते हैं, जैसे हेक्सेन हो गया, ठीक है। और फिर हम उसमें से फैट एक्सट्रैक्ट करते हैं। कुछ हमारे हमारे ये याद रखिएगा कि जितने भी हमारे प्लांट सोर्सेज में से हमें लिपिड्स मिलते हैं वो ऑयल्स मिलते हैं, ठीक है, अनसेचुरेटेड होते हैं वो, ठीक है। लेकिन कुछ हमारे स्पेसिफिक दो तीन चार के टाइप के हमारे सोर्सेज हैं और प्लांट में से, जो कि हमें सैचुरेटेड फैट्स मिलते हैं जिनसे, ठीक है। तो ये थोड़े सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। इनमें आ जाते हैं पाम कर्नल एंड कोकोनट। ये सब के सब जो हैं यहाँ से हमें सैचुरेटेड फैट्स मिलते हैं। इसके अलावा बाकी जितने भी ऑयल्स हमें, जितने भी फैट्स हमें प्लांट सोर्सेज से मिलेंगे वो ऑयल्स होते हैं, मतलब अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है कि इन तीन के अलावा बाकी सब के सब हमारे अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं। अच्छा, अब हमने ये देखना है कि हमारे जितने भी प्लांट ऑयल्स हैं, हमने उनको फोर ग्रुप्स में क्लासिफाई कर दिया है। और किस तरीके से किया है, बेस्ड ऑन द डोमिनेंस ऑफ सर्टेन फैटी एसिड्स, ठीक है। चार हमारे जो ग्रुप्स हैं उनमें हमने उनको इस हिसाब से डिवाइड किया है कि हर एक ग्रुप में एक फैटी एसिड की डोमिनेंस ज़्यादा है। तो उनको देख लेते हैं। लिनोलेनिक एसिड ग्रुप, ओमेगा 3 फैटी एसिड ग्रुप, ठीक है। इस ग्रुप के जितने भी ऑयल्स होते हैं इनमें लेनोलेनिक काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 7% लेनोलेनिक एसिड सोयाबीन ऑयल में होता है, ठीक है, और 54% लेनोलेनिक एसिड होता है सोयाबीन ऑयल में, ठीक है। तो ये हमारा ये ग्रुप हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा ऑलिक लेनोलेनिक एसिड ग्रुप, ठीक है। तो ये जो है, ये वाला जो ग्रुप है, ये सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट ग्रुप है और काफ़ी ज़्यादा वेरिड ग्रुप है, काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर वेरियस एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें आपका आ जाता है कॉटन सीड ऑयल, इसमें 54% लेनोलेनिक एसिड है। उसके अलावा ऑलिव ऑयल, इसमें 8% लेनोलेनिक और 1% लेनोलेनिक है। पाम ऑयल, इसमें 10% लेनोलेनिक है। पीनट ऑयल, इसमें 34% लेनोलेनिक है। सैफ्लोर ऑयल में 78% लेनोलेनिक एसिड।
और सनफ्लावर ऑयल में 69% लिनोलिक एसिड ग्रुप है। नेक्स्ट है आपका लॉरिक एसिड ग्रुप। अच्छा, ये जो ऑयल्स हैं जिनमें लॉरिक एसिड होता है वो लीस्ट अनसेचुरेटेड होता है। जितने भी हमारे कमर्शियल एडिबल ऑयल्स हैं उनमें लॉरिक एसिड ग्रुप वाले जो ऑयल्स हैं वो लीस्ट अनसेचुरेटेड होते हैं। ठीक है, इनके अंदर लॉरिक एसिड होता है प्रीडोमिनेंटली और इनमें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। टिपिकल एग्जाम्पल इसकी कॉटन ऑयल है, सॉरी कोकोनट ऑयल है और पाम कर्नल ऑयल है। ठीक है, जो लॉरिक एसिड ग्रुप वाले ऑयल्स हैं ना, ये सब ज़्यादातर आपके थोड़े सैचुरेटेड टाइप ऑयल्स होते हैं। ठीक है, इनमें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होते हैं। ठीक है, फिर आपके आते हैं एरोसिक एसिड ग्रुप। अच्छा, इसमें जो है एरोसिक एसिड होता है सबसे ज़्यादा कंटेंट में। ठीक है, 40-55%। और ये हमारे लिए थोड़ा हार्मफुल है। ठीक है, इसकी एग्जांपल है मस्टर्ड ऑयल और रेप सीड ऑयल। कैनोला ऑयल में माइन्यूट क्वांटिटीज होती हैं एरोसिक एसिड की। नेक्स्ट आपका आ जाता है एनिमल सोर्सेज। एनिमल सोर्सेज में एनिमल फैट्स हमें मिलते हैं। ठीक है, मतलब एनिमल की बॉडी में से फैट एक्सट्रैक्ट होता है। ठीक है, जैसे लार्ड या टेलो। ठीक है, एज वेल एज मिल्क। मिल्क में भी आपको पता है आपका मिल्क किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है। मिल्क बना हुआ होता है प्रोटीन, फैट, ग्लोब्यूल्स, आपकी थोड़ी बहुत ये लैक्टोज, शुगर, कैल्शियम। ठीक है, और इसके अलावा वाटर। ठीक है, इन सब की कंसंट्रेशन होती है आपके मिल्क में। तो फैट जो लार्ड या टेलो से आ रहा होता है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैं बता दूँ, जो आपका लार्ड या टेलो होता है ये एनिमल डीपॉट फैट होता है। डीपॉट का मतलब है डिपॉजिट होना। ठीक है, मतलब कि एनिमल की बॉडी में जहाँ फैट डिपॉजिट हुआ हुआ होता है, जैसे ह्यूमन बॉडी में फैट की डिपॉजिट की साइट्स एब्डोमेन है। ठीक है, तो इसी तरीके से एनिमल की बॉडी में जहाँ जहाँ फैट डिपॉजिट साइट्स होते हैं वहाँ का फैट निकाल के उसको यूज़ करना, दैट्स एनिमल डिपॉट फैट। ठीक है, कि एनिमल बॉडी फैट। अच्छा, लार्ड जो होता है वो हमें मिलता है पिग्स में से या हॉग्स में से। ठीक है, स्वाइन, पिग्स, हॉग्स। ठीक है, और जो टेलो होता है वो हमें काओ में से मिलता है। तो मुसलमानों के लिए टेलो अलाउड होता है। अच्छा, फैट फ्रॉम लार्ड और टेलो इज जनरली हीट रेंडर्ड विद ड्राई हीट और स्टीम। तो जो हमारा फैट होता है वो जनरली हीट रेंडर्ड होता है। ठीक है, उसमें हमें ड्राई हीट मिल रही होती है। और होता क्या है कि हीट रेंडर्ड क्या होता है, काफ़ी आपकी चीज़ें होती हैं जो हीट रेंडर्ड होती हैं, उनमें नॉर्मली ये होता है कि आपका जो फैट होता है वो ड्राई हीट या स्टीम के ज़रिए से, ड्राई हीट होता है खाली आग पे और स्टीम का होता है कि वेट हीट, मतलब इनसे उसको रेंडर किया जाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद इसको अलग कर दिया जाता है और इस तरीके से हमें लार्ड या टेलो मिलता है। जबकि मिल्क फैट जो होता है वो आपको पता है कि जैसे लस्सी बनती है, जब लस्सी की प्रिपरेशन होती है दूध को बहुत ज़्यादा फेंटा जाता है। ठीक है, तो क्रीम ऊपर आ जाती है, उस क्रीम को सेपरेट कर लिया जाता है और उसे बटर बना लिया जाता है। ठीक है, तो बटर ऐसे बनता है। इसके अलावा जब बटर को हम हीट रेंडर्ड करते हैं, मतलब बटर को जब हम आग पे पकाते हैं, ठीक है, आग पे रखते हैं कुछ देर के लिए, तो उसमें क्या होता है कि आपका ऑयल सा ऊपर आ जाता है। ठीक है, जो कि एक्चुअल में आपका घी होता है। ठीक है, लिक्विड आपका जो है लिक्विड और सॉलिड कंपोनेंट्स अलग अलग हो जाते हैं, तो वो जो लिक्विड आपका होता है वो आपका घी होता है। तो जितने भी एनिमल फैट्स हैं वो सारी की सारी सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और कोलेस्ट्रॉल की रिच सोर्सेज होती हैं। इसलिए हमें एनिमल फैट्स अपनी डाइट में कंसिस्टेंटली
कंसिडरेबल अमाउंट में, मतलब एक अप्रोप्रिएट अमाउंट में लेना चाहिए, ज़्यादा अमाउंट में नहीं लेना चाहिए। आई वोंट से कि दे आर बैड फॉर यू, बट आई विल से कि उनको ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खाना चाहिए। अच्छा, तो सबसे पहले आपकी आती है मिल्क फैट। मिल्क फैट जो होती है वो आपकी बटर फैट होती है, ठीक है। मतलब मिल्क से हमें बटर मिलता है और क्रीम मिलती है, ठीक है। तो इसमें जो है तकरीबन 84 डिफरेंट टाइप ऑफ फैटी एसिड्स होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसमें कोलेस्ट्रॉल भी होता है, ठीक है। और सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कंटेन इन दिस ग्रुप ऑल्सो हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द बॉडी। मतलब हमें डाइट से भी कोलेस्ट्रॉल मिलता है और ये जो इसके अंदर से हमें ये जो डिफरेंट 184 डिफरेंट टाइप ऑफ सैचुरेटेड एसिड फैटी एसिड्स हैं, ये कंज्यूम करने से हमारी बॉडी में इनका कोलेस्ट्रॉल भी बन जाता है, ठीक है। फिर एनिमल डिपोर्ट फैट आता है जिसमें लार्ड और टेलो आता है, ये एग्जाम्पल्स हैं। मिल्क फैट की एग्जाम्पल है बटर, ठीक है, और एनिमल डिपोर्ट फैट की एग्जाम्पल लार्ड एंड टेलो। लार्ड जो है इज़ रेंडर्ड फ्रॉम फैटी टिश्यूज ऑफ हॉग्स, स्वाइन्स और पिग्स, ठीक है। और टेलो इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कैटल एंड टू अ लेसर एक्सटेंट फ्रॉम शीप एंड गोट। ज़्यादातर हमें टेलो कैटल से ही मिलता है, बहुत कम अमाउंट में हमें शीप और गोट से भी मिल रहा होता है, ठीक है। रेंडर्ड आपको मैं बता चुकी हूँ कि हीट ट्रीटमेंट देना ताकि आपका कोई प्रोडक्ट बन जाए, मतलब अगर एनिमल फैट है उसको हीट ट्रीटमेंट दिया जाए और उसमें वो फैट जो है एक प्रोडक्ट की शेप में आ जाए, जैसे लार्ड या टेलो है, तो उसको हम ब्लेंडेड कहते हैं। अच्छा, इनमें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा अमाउंट में होते हैं। अच्छा, फिर मैरीन ऑयल्स आते हैं। जितने भी हमारे मैरीन ऑयल्स हैं ना, ये हमें फ़िश से मिलते हैं, ठीक है। अब फ़िश जो है वो वाहिद आपकी एनिमल फैट है जो ऑयल देती है लेकिन फैट नहीं देती, ठीक है। इसे हमें ऑयल मिलते हैं, जैसे हमारे वाहिद प्लांट ऑयल्स थे पाम ऑयल, कर्नल और कोकोनट, जो कि हमें सैचुरेटेड फैट देते थे, ऐसे वाहिद हमारे फ़िश ऑयल्स हैं जो कि हमें ऑयल देते हैं, ठीक है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स देते हैं। तो इसमें ये सारी फ़िश के नेम हैं, हेरिंग, मैनहट्टन, कॉड, हेलीबट, ठीक है। कॉड और हेलीबट इनके लिवर में ऑयल होता है और हेरिंग और मैनहट्टन इनकी भी बॉडी से ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है, जो कि आज हमें अक्सर बाज़ार से गोलियां भी मिल रही होती हैं, फ़िश लिवर ऑयल, कॉड लिवर ऑयल, मछली की तेल की गोलियां, ये खाएं सर्दियों में, सेहत के लिए अच्छी होती हैं, ठीक है। तो वो सब जो हैं उनमें ये ओमेगा 3 ओमेगा 6 वगैरह होते हैं। अच्छा, दे आर करेक्टराइज्ड बाय हाई परसेंटेज ऑफ अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स, इनमें अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। और ये क्या काम करेंगे, ये कोलेस्ट्रॉल को बॉडी में से कम करते हैं, लोअर करते हैं, एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं, एक्सक्रीट करने में हेल्प करते हैं। अच्छा, हमारी डाइट में फैट्स और ऑयल्स विजिबल भी होते हैं और इनविजिबल भी होते हैं। जो विजिबल फैट्स होते हैं, वो सब के सब होते हैं बटर, घी, मार्जरीन, ये जो ब्लू बैंड हम लगाते हैं अपनी ब्रेड पे उसको मार्जरीन कहते हैं, कुकिंग ऑयल, फैट, जो मीट के ऊपर एक सफ़ेद सी लेयर होती है, अक्सर आप देखेंगे कच्चा मीट, जब मीट या चिकन आता है तो उसके साथ एक साइड पे फैट की लेयर होती है, उसको हम फैट कहते हैं उसकी, ठीक है। अच्छा, ये जनरली हम देख सकते हैं, ठीक है। तो कस्टमर को जो है सिलेक्शन करने में, मतलब वो सिलेक्शन कर सकता है कि ज़्यादा फैट लेनी है या कम लेनी है। अक्सर औकात हमारे पास मीट के कट्स भी आते हैं, कुछ मीट के कट्स होते हैं उनमें फ़ैट ज़्यादा होती है और कुछ मीट के कट्स होते हैं उनमें फ़ैट कम होती है। मीट के कट का मतलब ये है कि अगर काव है, ठीक है, तो काव की बॉडी को डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है, ठीक है, ये इस तरीके से, फॉर एग्जांपल इफ इट्स अ बॉडी ऑफ अ काव, ठीक है, तो उसको हम डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। फ्लैंक का पोर्शन होता है, ठीक है, फिर उसके बाद आपकी रिब्स होती हैं, ठीक है, फिर उसके बाद आपका राउंड बॉटम होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट आपके कट्स होते हैं और ये आपका ये एब्डोमेन कट होता है, ठीक है, ये डिफरेंट आपके कट्स होते हैं, आप आगे पढ़ेंगे भी।
और डिफरेंट कट्स की डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ आपके सख्त होते हैं, कुछ में फ़ैट ज़्यादा होता है, कुछ में फ़ैट बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। तो मतलब आप इजीली अपनी चॉइस कर सकते हैं कि आपने ज़्यादा फ़ैट लेना है या कम फ़ैट लेना है। अब जो इनविजिबल फ़ैट्स होती हैं ना, वो इस तरह की होती हैं कि आपको जब प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं तो उसके अंदर से आपको फ़ैट मिलती है, जैसे मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स जितने भी हैं, नट्स हैं, लीन मीट है, लीन मीट में भी थोड़ी हद तक फ़ैट होती है, और कुछ आपके वेजिटेबल फूड्स हैं, ये इनविजिबल फैट्स होती हैं जो आपकी। अच्छा, आप इसमें जो है आपकी ये जो आपकी इनविजिबल फैट्स होती हैं, दीज आर गुड फॉर यू, ठीक है। ये आपके लिए, ये अनसेचुरेटेड फैट्स होती हैं, और दूसरा ये हमारी सेहत के लिए भी अच्छी होती हैं। आगे आप आ जाएं फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स जो हैं ये हमारे हर सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एवरी लिविंग सेल में प्रेजेंट होते हैं ये, ठीक है। ये काफ़ी लार्ज ग्रुप है फॉस्फोलिपिड्स का, ठीक है। इनमें होता क्या है, फॉस्फेट ग्रुप होता है लिंक्ड टू ग्लाइसरोल मॉलिक्यूल, ठीक है, एट SN3, ठीक है। ग्लाइसरोल के थर्ड कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। ये बनते कैसे हैं फॉस्फोलिपिड्स, ये बनते हैं ग्लाइसरॉल फैटी एसिड्स, फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजनस बेस से, ठीक है। मतलब इन सब के अंदर ये सब चीज़ें होती हैं, ग्लाइसरॉल फैटी एसिड्स, ठीक है। ग्लाइसरॉल फैटी एसिड्स तो नॉर्मली भी आपके लिपिड का होता है, इसमें ऐड जो होता है फॉस्फोरिक एसिड और एक नाइट्रोजनस बेस ऐड होती है। जो कोलीन है, कोलीन इज सिंथेसाइज इन द बॉडी फ्रॉम मीथियोनिन एंड इज एन अमाइनो एसिड। इसके अलावा सीरेन, इथेनॉल अमाइन एंड इनोसिटोल, ये सब के सब हमारे नाइट्रोजन स्पीसीज हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन स्पीसीज की अब जो भी नाइट्रोजन बेस लगेगी उस हिसाब से आपका फॉस्फोलिपिड का कंपाउंड का नाम डिफरेंट आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, फॉस्फोलिपिड के साथ कोई भी नाइट्रोजन बेस होती है जो कि कोलीन हो सकती है, सीराइन, इथेनॉल, इमाइन या इनोसिटोल हो सकती है, ठीक है। तो ये आपके फॉस्फोलिपिड्स हैं। इनके फंक्शंस क्या हैं कि ये सेल मेम्ब्रेन का कंस्टिट्यूएंट होते हैं, ठीक है, और इसीलिए उसकी फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके अलावा प्रोटीन्स के साथ इन कम्बिनेशन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और फिर इंट्रा सेलुलर सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करते हैं। एक तो सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं और इंट्रा सेलुलर ऑर्गेनल्स बनाते हैं। उसके अलावा माइलिन लेयर में होते हैं और नर्व फाइबर्स के अराउंड उन्होंने इनको पैक किया होता है, ठीक है। जब इन ये नर्व फाइबर्स को पैक करते हैं तो ये एज एन इंसुलेटर एक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रिक इम्पल्सिस कैरी करते हैं, ठीक है। इसके अलावा फैट की ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। ये सब फॉस्फोलिपिड्स के फंक्शंस हैं। अब फॉस्फोलिपिड्स कितने टाइप्स के हैं हम उनको देख लेते हैं, वो वाली फॉस्फोलिपिड्स जो फिजियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। उनमें सबसे पहले आ जाती है लिसिथिन। लिसिथिन का स्ट्रक्चर देखें, ये ग्लाइसरोल है, ठीक है, ये इसके साथ तीन फैटी एसिड्स लगे हुए हैं, ठीक है, ये दो फैटी एसिड्स हैं और जो तीसरा है उसमें फॉस्फोरिक एसिड और ये कोलीन बेस है, ठीक है। इस तरीके से आपके फॉस्फोलिपिड्स बनते हैं। लिसिथिन को देखें तो लिसिथिन का क्या काम होता है, फैट को ट्रांसपोर्ट कराता है बॉडी में, उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल को लोअर करता है, ठीक है, मेमोरी लॉस को प्रिवेंट करता है, ठीक है। इसके अलावा ये बॉडी में मीथियोनिन से भी बनता है, मीथियोनिन हमारा अमीनो एसिड है, और शुगर्स और फैट्स में से और फॉस्फोरस में से, इन सब से मिल के बनता है ये, ठीक है। अच्छा, डाइट में ये एग योक्स के अंदर होता है लिसिथिन, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ये थोड़ी माइन्यूट अमाउंट में यीस्ट में, सोयाबीन में, वीट जर्म में। वीट जर्म क्या है, वीट की जो बाहर वाली लेयर होती है जो अक्सर औकात माइनिंग या प्रोसेसिंग के दौरान में, मिलिंग या प्रोसेसिंग के दौरान में रिमूव हो जाती है, उसकी बात हो रही है वीट जर्म। और एनिमल टिश्यूज जैसे कि लिवर में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। कमर्शली इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, वो है कि ये फूड में
फूड इंडस्ट्री में एज एन इमल्सिफायर काम कर रहा होता है और प्रोडक्ट्स जैसे मायनीज बनाता है। इमल्सिफायर्स क्या होते हैं? इमल्सिफायर्स होते हैं वो प्रोडक्ट्स जो फैट को सॉल्युबल करते हैं लिक्विड के साथ, और मायनीज इसकी बेस्ट एग्जांपल है। मायनीज आपकी ऐसे ही बनती है, एग और आपका कोई ना कोई विनीगर या नींबू, ठीक है, इन सबको मिला के आपकी मायनीज बनती है, ठीक है। तो होता क्या है, और ऑब्वियसली ऑयल, एग ऑयल और एग योक ऑयल और विनीगर वगैरह मिला के इन सब से मायनीज बनती है, ठीक है। तो मायनीज आपको पता है कि ऑयल नहीं मिलता, लेकिन इसमें ऑयल मिल जाता है क्योंकि उसमें एग योक होती है और एग के अंदर लिसिथेन होता है। लिसिथेन हमेशा फैट्स को इमल्सीफाई करता है, मतलब वाटर के अंदर सॉल्युबल कराता है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन है लिसिथेन का, और इसलिए हम लिसिथेन को काफ़ी प्रोडक्ट्स में यूज़ करते हैं। तो हमने लिसिथेन में क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है सबसे पहले इसके फंक्शंस पढ़े, फिर हमने पढ़ा है ये बनता कैसे है, फिर हमने पढ़ा है कि इसकी फूड में रिच सोर्सेज क्या हैं और कमर्शियल इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। आगे आए स्फिंगोमाइलिन्स। स्फिंगोमाइलिन्स में स्फिंगोसिन होता है, ठीक है। स्फिंगोसिन क्या है? एक अमाइनो अल्कोहल है। उसके अलावा कोलीन होता है। कोलीन क्या है? नाइट्रोजन स्पेस है। फैटी एसिड्स और फॉस्फोरिक एसिड होते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो अल्कोहल पार्ट है वो स्फिंगोसिन होता है। अच्छा, ये हमारे ब्रेन में, नर्व टिश्यू में और सेल के स्ट्रक्चर में होते हैं, और इसके अलावा ये हमारे ब्लड में भी होते हैं। आगे आप आ जाएं ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोलिपिड्स क्या हैं? ग्लाइकोलिपिड्स हमारे कंपाउंड लिपिड्स हैं। इसका मतलब है कि ये डिफरेंट ग्रुप्स के साथ मिल के बने हुए हैं, ठीक है। इनके अंदर होता क्या है? फेरेनेसिन, केरासिन, फैटी एसिड्स, स्फिंगोसिन एंड कैलेक्टोज, ठीक है। ये सब से, इन सब से मिलकर ग्लाइकोलिपिड्स बनते हैं आपके। ग्लाइको मीनिंग कार्बन, लिपिड मीनिंग फैट, इन दोनों से मिल, ये दोनों जो है ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं। अच्छा, ये जो है आपके जो ग्लाइकोलिपिड्स हैं, ठीक है, कैरेक्टर्स को इनकॉर्पोरेट कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनकी एग्जांपल है सेरिब्रोसाइट। ये जो है हमारे ब्रेन के वाइट मैटर में होता है और नर्व्स की माइलिन शीथ में होता है, ठीक है, ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड्स में अब आगे आते हैं स्टीरोल्स एंड स्टीरॉयड्स। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हैं आपके स्टीरॉल्स एंड स्टेरॉइड्स। स्टीरॉल्स जो होते हैं वो हैं आपका कॉमन बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, लेकिन स्टीरॉल्स के काफ़ी मतलब डाइवर्स है ये, ठीक है, और इनके काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस हैं, ठीक है। इनमें आते हैं अर्गोस्टीरोल। अर्गोस्टीरोल हमारी प्लांट स्टीरोल है, मतलब प्लांट फैट है, ठीक है, प्लांट कोलेस्ट्रॉल कह लें आप, ठीक है। अच्छा, ये विटामिन डी का प्रीकर्सर होता है, इन द फॉर्म ऑफ अर्गो कैल्सिफेरोल। अर्गो कैल्सिफेरोल जो है हमारी बॉडी में विटामिन डी की जो एक्टिव फॉर्म है वो अर्गो कैल्सिफेरोल है। अच्छा, इसके अलावा 7-DH, 7-DH जो है एनिमल स्टेरॉल होता है। प्लांट स्टेरॉल अर्गो स्टेरॉल है, ठीक है, और एनिमल स्टेरॉल जो है वो 7-DH है, ठीक है। ये हमारी ह्यूमन बॉडी में विटामिन डी का प्रिकर्सर होता है, ठीक है। अच्छा, होता क्या है कि, या अगर आप डाइट से लें, ठीक है, ऑल दो डाइट में बहुत कम होता है अनलेस एंड अंटिल इनकॉर्पोरेट कराया जाए, तो वो अर्गो कैल्सिफेरोल होता है, ठीक है। वो जब हमारी बॉडी में आता है तो बॉडी में, या फॉर एग्जांपल, अच्छा उसको भी हम छोड़ देते हैं, हम आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, इतना याद रखें अर्गो कैल्सिफेरोल जो है, सॉरी अर्गोस्टीरोल जो है वो प्लांट स्टेरॉल है और वो विटामिन डी का प्रिकर्सर है। 7-DH एनिमल स्टेरॉल है और वो विटामिन डी का प्रिकर्सर है, ठीक है। लेकिन विटामिन डी का प्रिकर्सर अर्गोस्टेरॉल प्लांट में है और 7-DH जो है एनिमल बॉडी में है, ठीक है। अच्छा, जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस से हमारी स्किन एक्सपोज होती है, सनलाइट जैसे हो गई, सनलाइट में अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं, तो
हमारा जो है ये 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल कन्वर्ट हो जाता है इनटू कॉलीकैल्सिफेरॉल या वाइटमिन D3, और कॉलीकैल्सिफेरॉल हमारी एक्टिव फॉर्म है। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल आ जाता है। कोलेस्ट्रॉल जो है वो भी एनिमल स्टेरॉल है, सारी बॉडी में सेल्स में होता है, ठीक है, फ्लूइड्स में होता है। इसके अलावा हमारे ब्रेन का पार्ट है ये, ठीक है, और इसके अलावा ये हमारे हार्मोन्स में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल को हम बेस्ट एसोसिएट करते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस से। एथेरोस्क्लेरोसिस एक डिजीज़ है जो हमारे जिनमें हमारी कैपिलरीज के अंदर फैट डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है, और वो ऐसे ही होता है, वो एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल की बॉडी में अमाउंट अगर ज़्यादा हो जाए तो हमारी ब्लड कैपिलरीज में फैट डिपॉजिट हो जाता है। अगर फैट डिपॉजिट हो जाएगा तो ब्लड कैपिलरीज का साइज़ छोटा हो जाता है। जब साइज़ छोटा होता है तो क्या होता है, हार्ट अटैक का खतरा होता है, क्योंकि ब्लड सप्लाई रुक जाती है। तो एथेरोस्क्लेरोसिस हमारी कोरोनरी हार्ट डिजीज़ का एक कंपोनेंट है। इसमें क्या होता है कि फैट डिपॉजिट हो जाता है हमारी आर्टरीज के अंदर, ठीक है, और उससे हमारी आर्टरीज हार्डन हो जाती हैं, नैरो हो जाती हैं। ये देखिए हमारी आर्टरीज इस तरीके से होती हैं, ठीक है, अगर हम काटें, ठीक है, तो हमारी अगर आर्टरी के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाए तो ये इस तरीके से आपका यहाँ पे जब फैट हमारे या कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में ज़्यादा होता है तो ये इस तरीके से जमा हो जाता है। तो देखें पहले कितना बड़ा मुंह था इसका, ठीक है, जिससे आराम से ब्लड सप्लाई जा सकती थी, लेकिन अब इसका मुंह छोटा हो गया है, ठीक है, सिर्फ अपना ब्लड गुजरेगा, बाकी ब्लड आपका नहीं गुजर पाता अंदर से, ठीक है, क्योंकि आपका जो है फैट अंदर जमा हो जाता है, और उससे क्या होता है, ब्लड जब ज़्यादा नहीं जा पाता तो ब्लड का प्रेशर रुकता है, ठीक है, सेल्स को प्रॉपर ब्लड नहीं मिलता, हार्ट को ब्लड नहीं मिलता प्रॉपरली, ठीक है, और उससे हार्ट अटैक हो सकता है। अच्छा, हमारी जो बॉडी कोलेस्ट्रॉल की सप्लाई होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है एक्सॉजिनस और एक होती है एंडोजिनस। एक्सॉजिनस का मतलब है वो हम फूड से लेते हैं, और तकरीबन 25% वो हमारी कोलेस्ट्रॉल की जो इनटेक है वो फूड से आती है, ठीक है। अच्छा, हमारी जो है इसके अलावा जो एंडोजनस सोर्सेज हैं वो तकरीबन हमारी, अच्छा, डाइट में हमें तकरीबन 500 to 800 mg कोलेस्ट्रॉल मिल रही होती है अगर हम ज़्यादा लें, ठीक है। एंडोजनस जो है वो हमारी अपनी जो बॉडी बनाती है वो 1500 mg बनाती है, ठीक है, और ये हमारी बॉडी के 75% नीड्स पूरी करती है। इसका मतलब ये है कि अगर हम डाइट में ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल खाएं तो उसमें ऐसा नहीं होगा कि ह्यूमन बॉडी कोलेस्ट्रॉल बनाना बंद कर दे। ह्यूमन बॉडी कोलेस्ट्रॉल बनाएगी भी, और ह्यूमन बॉडी प्रिफर करेगी कि जो ह्यूमन बॉडी ने खुद कोलेस्ट्रॉल बनाया उसी को इस्तेमाल करें बॉडी ली नीड्स के लिए, ठीक है। तो दैट कोलेस्ट्रॉल इज़ गुड फॉर अस। पर होता क्या है हम डाइट में, तो इसका मतलब ये है कि हमें डाइट में से सिर्फ 25% कोलेस्ट्रॉल चाहिए, पर हम फैटी फूड्स जितने इतने ज़्यादा खाते हैं कि वो 25% नहीं रहता, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो 25% बॉडी डाइट में से कोलेस्ट्रॉल लेगी, और बाकी जितना कोलेस्ट्रॉल होता है उसको डिपॉजिट करा देगी बॉडी में, और वो जब डिपॉजिट होता है हमारी बॉडी में तो नुकसान देता है हमें। आगे आप आएँ। अच्छा, इसके अलावा ये बात मैंने आपको पहली दो लाइन समझा दी है कि वो नहीं इफेक्ट करती है हमारे कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस को अगर हम हाई इनटेक लें, ठीक है, हमारी बॉडी अपना ही बनाएगी, ठीक है। जितना भी एक्सेस कोलेस्ट्रॉल होता है वो एक्सक्रीट हो जाता है या फिर बॉडी में डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपका आता है कंट्रोलिंग ब्लड कोलेस्ट्रॉल। कंट्रोलिंग ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, अच्छा, मैंने आपको बताया कि कोलेस्ट्रॉल जो है जितना हमें ज़रूरत नहीं होती वो बाइल सॉल्ट्स, आप बाइल सॉल्ट्स कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं, ठीक है। बाइल सॉल्ट्स आपके जो हैं फैट को सॉल्युबल करने के लिए यूज़ होते हैं। बनाते कौन हैं, बना आपके लिवर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बाइल जो होता है वो क्या होता है कि वो फैट को सॉल्युबल कराता है, ठीक है, वो इंटेस्टाइन्स में आता है, खाना सारा डाइजेस्ट होता है, बाइल दोबारा से बॉडी एब्जॉर्ब करती है और लिवर में चला जाता है, लेकिन उसमें से कुछ हद तक बाइल एक्सक्रीट हो जाता है। तो जब वो एक्सक्रीट होता है तो अपने साथ में कोलेस्ट्रॉल को भी एक्सक्रीट करता है, ठीक है। तो काफ़ी हद तक आपका गैर ज़रूरी कोलेस्ट्रॉल एक्सक्रीट हो जाता है,
लेकिन अगर हमारी डाइट में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो तो फिर जितना हम हमारी बॉडी की एबिलिटी थी एक्सक्रीट हो गया बाइल के साथ, लेकिन बाकी फिर फैट कोलेस्ट्रॉल जो है वो फैट के फॉर्म में स्टोर होना शुरू हो जाता है, ठीक है, बॉडी में। तो अब ये जो एक्यूमुलेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल है बॉडी में, ये दो चीज़ों से ज़्यादा बढ़ती है, मतलब दो चीज़ों से कम एक्सक्रीट होगा और ज़्यादा बॉडी में स्टोर होगा, वो है इंक्रीज्ड एज। तो एक आपकी एज, ठीक है, एज के साथ कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ता रहता है, ठीक है, और दूसरा रिड्यूस्ड फिजिकल एक्टिविटी। अगर आपकी एक्टिविटी कम होगी, ठीक है, मसल्स की ज़्यादा वर्जिश नहीं होगी, खून की ज़्यादा सर्कुलेशन नहीं होगी, तो भी कोलेस्ट्रॉल आपका जमना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब अगर रेस्ड कोलेस्ट्रॉल लेवल हो, ठीक है, मतलब रेस्ड कोलेस्ट्रॉल लेवल इज़ अबव 150 mg पर 100 ml प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा हमारे जो बॉडी में फ्लूइड है, ठीक है, प्लाज्मा आपका क्या होता है, आपका प्लाज्मा जो होता है उसके अंदर आपके वाइट फ्लूड्स होते हैं, और मतलब वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, और बाकी आपका फ्लूड होता है, वो मिल के प्लाज्मा बनता है, ठीक है। तो अगर आपका प्लाज्मा लेवल जो है वो 150 mg पर 100 ml पर 100 ml हो, तो इससे इसका मतलब है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल काफ़ी ज़्यादा है और उसे हार्ट डिजीज़ का ख़तरा बढ़ जाता है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम अब इससे अगर एक आपकी डाइट में ज़्यादा है, ठीक है, दूसरा आपकी एज बढ़ रही है, फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल कम है, फिर इस तरह के रिस्क फैक्टर्स जैसे स्मोकिंग करना, ठीक है, तो ये सब मिला के आपका हार्ट डिजीज़ का रिस्क और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। अब हम ब्लड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं किस तरीके से? सबसे पहला कंट्रोल तो ये है कि आप कंजम्पशन रिड्यूस कर दें, ठीक है, कंजम्पशन मतलब खाना रिड्यूस कर दें सेचुरेटेड फैटी एसिड्स को, ठीक है, क्योंकि सेचुरेटेड फैटी एसिड से कोलेस्ट्रॉल मिलता है, जैसे बटर हो गया, एनिमल फैट्स, एग योक, फैटी मील्स, फुल क्रीम मिल्क, चीज़, केक्स, पेस्ट्रीज, मार्जरीन, कोकोनट वगैरह, ठीक है, ये आपने अपनी डाइट में कम लेना है। अच्छा, फुल क्रीम मिल्क का मतलब यह है कि वो दूध जो बलाई के बगैर हो, या बाज़ार से आपको जो मिलता है होल मिल्क, ठीक है, ऑलपर्स वगैरह, तो वो होता है फुल क्रीम मिल्क होता है, ठीक है। तो अगर घर में है तो घर में वो दूध जिसमें बलाई ना उतारी हुई हो और वो मिक्स हुई हुई हो दूध के अंदर, तो वो फुल क्रीम मिल्क होता है, उसका तरीका ये होता है। दूसरा फिर जो मिल्क होता है वो स्किम मिल्क होता है। स्किम मिल्क जो होता है वो होता है आपका वो मिल्क, स्किम मतलब वो मिल्क जिसमें से ऊपर से बलाई स्किम कर दी गई, निकाल दी गई, ठीक है, तो स्किम मिल्क लेना चाहिए जिसमें फैट कम हो। तो क्या करते हैं, इसका तरीका घर में ये है कि आप दूध ठंडा करते हैं तो बलाई ऊपर आ जाती है, आप उसको निकाल लें, फिर दोबारा से आप उसको गर्म करके ठंडा करें तो फिर बलाई आएगी, आप उसको फिर निकाल लें, ठीक है। तो इस तरीके से 2-3 बार अगर आप उसको उबाल के ठंडा करेंगे तो बलाई ऊपर आ जाएगी और आप उसको निकालेंगे और आपका मिल्क स्किम मिल्क बन जाएगा। बाज़ार से आप ऐसे कर सकते हैं कि वो मिल्क पैक लें जिसके ऊपर लिखा हुआ हो स्किम मिल्क, 1% मिल्क, 2% मिल्क, ठीक है, तो वो आपकी स्किम मिल्क होते हैं। अच्छा, आगे आ जाएं, सेकेंड आपका जो तरीका है वो ये है कि आप इंक्रीज़ कर दें पोली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स की इनटेक को, ठीक है, या कंजम्पशन को, ठीक है। पोली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करते हैं ब्लड में से और एक्सक्रीट कराने में हेल्प करते हैं, ठीक है, लेकिन ये फिर भी इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है उसको रिड्यूस करने में जितना सेचुरेटेड फैटी एसिड्स आपके कोलेस्ट्रॉल को बॉडी में इंक्रीज़ करने में एफिशिएंट है। उसके बाद नेक्स्ट है, बहुत ज़्यादा खाएं आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सैलड्स, होल ग्रेन्स, लिक्यूम्स, ठीक है, मतलब इसका मतलब ये है कि जो हमने शुरू में पढ़ा था कि माय पायरामेट या माय प्लेट, ठीक है, तो उसको फॉलो करें, उसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की जो कंजम्पशन है 3 to 5, ठीक है, वो खाएं आप, ठीक है, होल ग्रेन्स लें आप, ठीक है, लिक्यूम्स खाएं, ठीक है, ये सब अगर आप ज़्यादा खाएंगे, ठीक है, तो उससे पोली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स पे साथ में लेंगे लेकिन सेचुरेटेड फैटी एसिड्स कम लेंगे, ठीक है, तो आपकी जो है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल होता है, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल आप देखें, रिच कोलेस्ट्रॉल जिन फूड्स में रिच होता है, मतलब ओवर 1000 mg या 100 to 200 mg पर 100 ग्राम, तो वो है ब्रेन, किडनी, लिवर, एनिमल का ब्रेन, किडनी, लिवर,
बटर और एग योक में, हार्ट में और फुल फैट चीज़ में। मॉडरेट अमाउंट में ये होता है बीफ, वील, लैम्ब, टर्की, चिकन एंड बीफ फैट, ठीक है। उसके अलावा लो होता है ये आइसक्रीम, योगर्ट में, और बिल्कुल जिनमें नहीं होता वो होता है एग वाइट, फिश, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, नट्स, लिग्यूम्स एंड प्लांट ऑयल्स, इन सब में नहीं होता, ठीक है। तो अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको किस तरह के फूड लेने हैं। आपको इस तरह के फूड्स लेने हैं, ठीक है। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर योर कंसल्टेशन। अल्लाह हाफ़िज़।